आजमगढ़ में तीन तीन अलग अलग कार्यक्रमों में रविवार को शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर तीखे हमले किए। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। आजमगढ़ को बार बार आतंक की नर्सरी बताकर सीएम योगी मुसलमानों पर निशाना साधते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम योगी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उन्हें खुद के ऊपर लगे मुकदमों और चार्जशीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटियों के साथ नहीं खड़ी है। दिल्ली में महिला पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा। इससे साबित हो गया कि भाजपा सिर्फ वोट के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देश की बेटियां और महिलाएं आज असुरक्षित हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री जनता को जवाब देने से भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा के खिलाफ सभी धर्मनिरपेक्ष दल साथ आ रहे हैं। विपक्ष के गठबंधन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से वार्ता हुई। 12 जून को पटना में होने वाली बैठक में गठबंधन की रूपरेखा तय की जाएगी।